वेलकम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज हम आपको चैप्टर 16 प्लेइंग विद नंबर्स का क्वेश्चन विद आंसर सॉल्यूशन कराएंगे। तो आज हम जो है एक्सरसाइज 16.1 का सॉल्यूशन कराएंगे, ठीक है। तो चलते हैं आज के हम 16.1 टॉपिक पे, ठीक है। तो हमारे सामने दिख पा रहा है क्वेश्चन है 3a + 2, ठीक है। हम यहाँ पर जो है देखेंगे कि ये दोनों को जैसे ही हम जोड़ेंगे तो हमें कितना आ जाना चाहिए, 2 आ जाना चाहिए। तो एक जगह हम कौन सा नंबर लें, यहाँ पर हम कौन सा नंबर लें कि हमारा यहाँ पर जोड़ने पर 2 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हम इस तरह से कर सकते हैं a + 5, ठीक है। तो a + 5 आने पर देखिए यहाँ पर 2 शो कर रहा है, तो हम कौन सा नंबर हमारे पास हो सकता है, तो देख लीजिए। तो ऐसे ही क्वेश्चन को और यहाँ पर 3 और 2 को जोड़ा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या रहा है b, तो b का क्या वैल्यू होगा। तो यहाँ पर हम a और b को फाइंड करना सीखेंगे, ठीक है। किस तरह से होगा, तो देखिए क्वेश्चन में b है तो a + 5 ये दोनों को सम किया जाएगा, तो b गेट यूनिट डिजिट ऑफ 2 आ रहा है, यूनिट कितना आ रहा है 2। तो हमें क्या नंबर लेना आपको पता चल गया होगा, हमें लेना a का जो वैल्यू लेना है वो 7 ले रहेगा, ठीक है। b गेट 7 + 5 करते हैं तो कितना आ गया 12 आ गया, 12 का 2 लिखा गया, कैरी कितना चला गया 1 चला गया, तो 3, 2, 5, 5 और 1 कैरी 6 होता है। तो वही बातें की गई है, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू 1 + 3 + 2 = 6। तो थर्स द एडिशन, आप एडिशन करके भी चेक कर सकते हैं, तो हेंस ए इज इक्वल टू 7 एंड बी इज इक्वल टू 6 फाइंड हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यही है 4a + 9a, तो इसे भी हमको क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो देखते हैं 4a = 5, वी गेट 5 + 8 = 13 हो जाता है, 5 + 8 करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है वैल्यू 5 ले लिया गया है, ठीक है। तो कितनी हो गई, ये दोनों का जब सम किया गया तो 5 + 8 = कितना हो गया, 13 हो गए ना, तो 13 का 3 लिखा गया, कैरी इसके ऊपर चला गया, ठीक है। तो 9 + 4 = 13, 13 + 1 = 15, यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, जैसा कि आपको हमें दिखा देना चाहते हैं 14 हो जाएगा, 9 + 4 = 13, 14। तो यह देख लिया आप वैल्यू सी, द वैल्यू ऑफ द 13 हो गई, ठीक है, 13 हो गई, 13 का 3 लिखा गया, ये कैरी 1 चला गया इसके ऊपर, थस द वैल्यू वन कैरी 4 + 9 = 14 हो गई, 9 + 4 = 13, 13 + 1 = 14। तो हैंस ए इज इक्वल टू 5 हो गया, बी इज इक्वल टू 4 हो गया एंड सी इज इक्वल टू 1 हो गया। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम 3 में, लिखा हुआ है 1a × a = 9a, आपको यहाँ पर आंसर में है ये दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए कि यहाँ भी ये है और यहाँ भी है, यानी जो भी नंबर रहेगा एक जगह सेम ही रहेगा, और दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो सेम मल्टीप्लिकेशन वैल्यू भी यहाँ क्या होगी, a होगी, ठीक है। तो कौन सा नंबर है भाई, अरे है आप जो भी नंबर लीजिएगा, और यहाँ पर आपको क्या आ जाना चाहिए, 9 आ भी जाना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो सकता है, आप सोचिए बताइए। चलते हैं हम यहाँ देख लेते हैं, बी है 1a × a = 9a, तो a × a = a, विच इज द टाइम फॉर a = 1 और 6। देखो एक जगह पर दो नंबर हो सकता है, देखिए क्या हो सकता है, अगर 1 × 1 भी करेंगे तो 1 आ जाएगा, बट एक चीज़ है क्या, यहाँ 9 नहीं आएगी, इसीलिए 1 तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है, वो तो हो ही नहीं सकता। अगर हम यहाँ 6 लेते हैं, 6 × 6 तो कितना आ गई, 36, तो 36 में यहाँ तो 6 आ गया, क्योंकि हमने 6 लिया था, तो कैरी कितनी चली जाएगी, 3 चली जाएगी, तो लगता है हमारे यही है, आप सही है। 4 1 × 1 = 1, बट नॉट इज इक्वल टू 9, यहाँ पर देख पा रहे हैं ना, यहाँ हमने भी वही था ना कि 9 यहाँ 1 नहीं हो सकता है, क्योंकि 9 हमें नहीं मिल पाएगा, इसलिए 4a = 6, बी गेट 6 × 6 = 36 होगा, ठीक है। तो a × 1 = 6 × 1 + 3, कैरी होगी ना 3, तो कितनी होगी 9 होगी, तो एक वैल्यू कितनी हो रही है, 6 हो रही है, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 4, ab + 3
सेवन, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखिए वही बात आ रही है कि यहाँ पर जो भी हम ये दोनों को सम करेंगे, ठीक है, तो वह वैल्यू एक बराबर हो जाना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखिए। और यहाँ पर सिक्स भी होना चाहिए, वेरी सिंपल है। कौन सा नंबर है तो आप देख लीजिए, थ्री प्लस ए इजगल टू सिक्स, तो ए इजगल टू सिक्स माइनस थ्री इजगल टू थ्री, ठीक है। तो एक वैल्यू कितना होना चाहिए यहाँ पे, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे टू प्लस वन कैरी ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो सेवन प्लस बी, तो ए नंबर बी द प्लेस टू इज ट्वेल्व, ठीक है। जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रही है, ठीक है, ए बी प्लस थ्री सेवन है, तो यहाँ पर जो भी है, यहाँ पर जो भी बी का वैल्यू लेंगे, ठीक है, और जोड़ने पर ए का वैल्यू, और यहाँ भी सेम होना चाहिए, ठीक है। तो कौन सा नंबर है भाई, तो इसके बारे में हम चलिए बात करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं थ्री प्लस ए इजक्वल टू सिक्स, ठीक है, थ्री प्लस ए इजक्वल टू सिक्स दिखा रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पर जो सम किया जा रहा है, ये दोनों को जोड़ा जा रहा है, ये दोनों को, तो कितनी आ रही है, सिक्स आ रही है ना। तो ये तो पता चल गई भाई कि सिक्स माइनस थ्री इजिक्वल टू करेंगे तो कितना होगा, थ्री होगा। या अगर हम सामान्य भाषा बात करें, सामान्य रूप से अगर बात करें, तो यहाँ पर अगर हम, ठीक है, यहाँ पर जो है ए है और यहाँ बी है और यहाँ सेवन है, ठीक है। तो अगर हम बी का जगह कौन सा, यहाँ पर ए भी आना चाहिए, भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो बी की जगह हम फाइव पुट कर दें, कितना पुट कर दें, फाइव, तो फाइव प्लस सेवन कितना हो गया, ट्वेल्व। तो ट्वेल्व का कितना हो गया, टू लिखाएगा, तो यहाँ क्या लिखाएगा, टू, कैरी वन बचा जो इसके ऊपर चला जाएगा, यानी बी का वैल्यू, तो ए का वैल्यू कितनी आ गया हमारा, टू आ गए ना। तो यहाँ भी हमको ए की जगह, यहाँ भी हमको कितना लेना है, टू लेना है, तो टू हम करेंगे, तो वन प्लस टू प्लस थ्री, तो कितने आ गए हमारा, सिक्स हो गया, ठीक है, सिक्स आ गई ना, आपको पता चला ना। तो ए का वैल्यू कितना हो गया, ए का वैल्यू हमारा हो गया टू, और बी का वैल्यू हो गया फाइव, वेरी सिंपल सा है कि नहीं। वही बातें तो यहाँ पे की गई, थ्री प्लस ए इजक्वल टू सिक्स, तो ए फाइंड जैसे हम कब फाइंड करेंगे, तो ए इजक्वल टू क्या हो गया, सिक्स माइनस थ्री, जैसे इक्वेशन आपने पढ़ा था ना, इक्वेशन में क्या बताई जाती थी, इक्वेशन में बताई जाती थी कि थ्री प्लस ए इजक्वल टू अगर सिक्स है तो हमें फाइंड करना है, तो ए इजक्वल टू सिक्स माइनस थ्री, तो ए का वैल्यू क्या आ गया हमारा, थ्री आ गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू, ठीक है। तो टू प्लस वन अगर हम इसमें कैरी ऑन कर देते हैं, अगर हम थ्री को इस प्रकार से तो लिख सकते हैं ना, टू प्लस वन, क्योंकि एक कैरी वाला पोर्शन रह गया जो देख यहाँ पर शो हो रहा है, तो ए का वैल्यू हमारा कितना आ गया, टू आ गया ना, ठीक है। नाउ सेवन प्लस बी इज इक्वल टू नंबर बी, तो यूनिट प्लस टू इज द ट्वेल्व, ठीक है, तो बी इज इक्वल टू ट्वेल्व माइनस सेवन, बी इज इक्वल टू ट्वेल्व माइनस सेवन, तो जैसे हम बी निकालेंगे तो बी का वैल्यू हमारा कितना आ गया, यहाँ फाइव हो गया, ठीक है। थस द एडिशन टू ट्वेंटी फाइव और थर्टी सेवन को ऐड करें, सिक्सटी टू आ गया। तो यही तो आपको बताना था ना, ठीक है, समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव हमारा है, ए बी इंटू थ्री, ए बी इंटू थ्री जब कर रहा है तो हमारा क्या आ रहा है, सी ए बी आ रहा है, ठीक है, वैल्यू हमारा उसका जो आ रहा है सी ए बी आ रहा है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन करेंगे, वेरी सिंपल से, अगर हम थ्री इंटू बी करते हैं तो क्या आ रहा है, बी आ रहा है ना, थ्री इंटू बी, देखिए ये दोनों को जब आपस में मल्टीप्लीकेशन हम करते हैं तो हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, बी आ रहा है ना, ठीक है। तो बी इजक्वल टू डी, बी इजक्वल टू डी, ठीक है। तो थ्री इंटू ए इजक्वल टू सी ए, थ्री इंटू फाइव इजक्वल टू फिफ्टीन, तो थोड़ा सही इजक्वल टू फाइव एंड सी इजक्वल टू वन, हेन सही इजक्वल टू फाइव, बी इजक्वल टू जीरो एंड सी इजक्वल टू वन आ गया, ठीक है। तो देखिए यही तो आपके आंसर हो गई ना, ये आपकी क्या हो गई, आंसर हो गए, ठीक है, समझ में आ गया होगा।
क्वेश्चन नंबर सिक्स है ए बी इंटू फाइव, तो आ रहा है वैल्यू सी ए बी, वही पोर्शन जब हमने बताया फाइव इंटू बी इजगुल टू बी हो जाएगा, फाइव इंटू बी इजगुल टू बी हो गया, तो बी इजगुल टू कितनी हो गई, जीरो हो गई ना। बी का वैल्यू क्या हो गया हमारा, जीरो हो गया। कैसे हो गया, ये हमने बताया था जस्ट कि फाइव इंटू बी करेंगे तो वैल्यू क्या आ गया हमारा, बी आ गया ना, ठीक है। तो बी में हमारा दो पोर्शन, जीरो भी हो सकता है और फाइव भी हो सकता है, ठीक है। तो फाइव इंटू ए इजगल टू सी ए, तो फाइव इंटू फाइव करते हैं तो 25 हो गया। तो ओनली पॉसिबल ओनली बी इजगल टू जीरो प्लस ए इजगल टू फाइव ऑन सी इजगल टू ए इजगल टू फाइव रहेगा, सी इजगल टू टू रहेगा, ठीक है, और बी इजगल टू जीरो रहेगा। तो यही तो आपका आंसर आ गया, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेवन है ए बी इंटू सिक्स, तो ए बी इंटू सिक्स कर रहे हैं तो सबका सब जो आ रहा है सेम आ रहा है, बी 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 आ रहा है, तो कौन सा नंबर होगा। तो यहाँ जो नंबर पुट करिएगा वही नंबर यहाँ सबका सब सेम आएगा, ठीक है। तो देखते हैं b इंटू सिक्स इजक्वल टू बी, तो 6 इंटू फोर इज 24, तो b का देखो कैरी में चला गया, 4 चला गया 24 का 4 एंड 2 इज द कैरी इंटू 6 इंटू ए में चला गया, तो b इंटू बी, ठीक है। तो 6 इंटू सेवन 42 प्लस 2 कैरी डाउन 44, तो b इजक्वल टू 7, ठीक है, b इजक्वल टू 7 हो गया, b इजक्वल टू 4 हो गया, ठीक है, समझ में आ गए। क्वेश्चन नंबर 8 है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का भी जो है, क्वेश्चन नंबर 8 आप देख पा रहे हैं ए वन प्लस वन बी, अब इसको जोड़ने पर क्या आ रहा है, बी प्लस बी जीरो आ रहा है, ये देखिए ये वैल्यू आएगा, ठीक है, ये वैल्यू है ना आपका, ये वैल्यू आ जाएगा, ये वैल्यू है। हम क्या करेंगे इसमें, चलते देखते हैं, वन प्लस बी इक्वल टू जीरो है, वन प्लस बी इक्वल टू जीरो, तो वन प्लस नाइन इज इक्वल टू टेन, यूनिट डिजिट इज जीरो, यूनिट डिजिट क्या इसका था, जीरो था, एंड वन इज द कैरिड ऑन टू वन, टू ए प्लस वन कैरिड ऑन इजक्वल टू बी इजक्वल टू नाइन, तो ए प्लस टू इजक्वल टू नाइन, तो ए इजक्वल टू सेवन, ठीक है, और बी इजक्वल टू नाइन, तो देखिए इसका सोल्यूशन यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, टू ए बी प्लस ए बी प्लस वन ऐड किया जा रहा है तो बी प्लस 18 आ रहा है, ठीक है, बी 18 है, तो चलिए इसका भी सोल्यूशन हम देख लेते हैं। तो बी प्लस वन इज इक्वल टू एट, तो बी इज इक्वल टू एट माइनस सेवन इज इक्वल टू सेवन, देखो बी का वैल्यू हमें पता चल गया। तो ए प्लस बी इन द नंबर विथ यूनिट डिजिट वन, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 11, तो हम वैल्यू पुट कर देंगे, बी का वैल्यू मेरा सेवन आया था, इसमें जैसे हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है, तो ए इज इक्वल टू कितने आ गई, 4 आ गया, प्लस 1 का रेट 2 कर लेंगे, ठीक है, तो 3 प्लस ए इज इक्वल टू 7, तो ए का वैल्यू क्या आ गया, 4 आ गया, तो ए इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 7, ठीक है, समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1 टू ए प्लस 6 ए बी, इसको जोड़ने पर क्या आपका आ रहा वैल्यू, ए 09, ठीक है, तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। 9 इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो 9 इज इक्वल टू 1 प्लस 8 और 2 प्लस 7 और 3 प्लस 6 4 प्लस 5, यानी हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, 9 को 1 प्लस 8 भी लिख सकते हैं, 2 प्लस 7 भी लिख सकते हैं, 3 प्लस 6 भी लिख सकते हैं, 4 प्लस 5 भी लिख सकते हैं, 8 प्लस 1 भी लिख सकते हैं, 7 प्लस 2, ये सब 9 लिखने का प्रोसेस को दिखाया गया है, ठीक है। उसके बाद 0 प्लस 9 भी हो सकता है और 9 प्लस 0 भी हो सकता है, 9 0 इज रिक्वायर्ड यूनिट प्लस, ठीक है, तो 2 प्लस ए इज इक्वल टू 10, तो ए का वैल्यू कितनी हो गया, 8 हो गए, बी इज इक्वल टू 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1, तो 1 प्लस 6 प्लस 1 कैरी डाउन, ए इज इक्वल टू 8 और बी इज इक्वल टू 1, दिस इज आंसर, ये आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपने अभी समझ लिया क्वेश्चन 10 तक, थैंक यू।